दिखाते हमारी खास पेशकश। आज दुनिया के सामने कोरोना फिर एक बार चिंता और चुनौती की डबल मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। साउथ अफ्रीका में एक हफ्ते पहले कोरोना का एक बेहद खतरनाक वेरिएंट के बारे में पता चला है और WHO ने इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। इस नए वेरिएंट की जानकारी बाहर आते ही दुनिया भर के देश साउथ अफ्रीका से आवाजाही बंद कर रहे हैं और अपने देश के नागरिकों के लिए यह एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं कि वो साउथ अफ्रीका की यात्रा करने से बचें। दुनिया पर कोरोना की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई देश तो कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर भी झेल चुके हैं। वैक्सीन आने के बाद ये लग रहा था कि कोरोना से छुटकारा मिल गया है, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका से आए कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। WHO ने इस वेरिएंट को नाम दिया है ओमिक्रॉन। जोहानसबर्ग से लेकर जिनेवा तक इस नए वेरिएंट के खतरे को लेकर परेशान है। स्वास्थ्य संगठन ने इस नए वेरिएंट को लेकर एक बैठक बुलाई जिसमें संगठन ने सभी देशों से अपील की है कि वो यात्रा करने और नियमों में ढील देने से पहले सोचें। मगर दक्षिण अफ्रीका में पाया गया ये नया वेरिएंट क्यों सभी की चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। डेल्टा वेरिएंट अपने इमरजेंस से 100 दिन के अंदर 50 से 55% तक संक्रमण फैलाता है, लेकिन नया BA.1.529 वेरिएंट 15 दिन के अंदर ही 90 से 95% तक फैल रहा है। ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज्यादा है, ये न्यूट्रलाइजेशन कम एंटीबॉडीज से की जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है, तो ये वेरिएंट थोड़ा ज्यादा सीरियस है। लेकिन वहां लोकली अस्पतालों में कितना ज्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की जरूरत है। इस नए वेरिएंट के संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 100 के आसपास ही बताई जा रही है, लेकिन तेजी से फैलने के खतरे को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पूरे दक्षिण अफ्रीका में फैल चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट BA.1.529 के कारण दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लेसोथा, बोत्सवाना, इस्वातिनी और जिम्बाब्वे के लिए कई देशों ने उड़ानों पर रोक लगा दी है। इन देशों में ब्रिटेन, इजराइल, सिंगापुर, नीदरलैंड और फ्रांस भी शामिल है। कुछ और देश भी उड़ानों पर रोक लगाने को लेकर जल्द फैसला ले सकते हैं। 2019 में कोरोना दुनिया के कई देशों में फैला, मगर बाद में वैक्सीन से चीजें सामान्य होने लगी थी। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका से आए इस नए वेरिएंट ने दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। देखना होगा कि इस नए वेरिएंट के खतरे को दुनिया कितने दिनों तक टालने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ गई है और अमेरिका ने 8 अफ्रीकी देशों से हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है। फ्रांस समेत यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने भी दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर रोक लगाने पर सहमति जाहिर की है और जर्मनी और इटली ने भी दक्षिण अफ्रीका से ज्यादातर यात्रा पर बैन लगा दिया है। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप को भी टाल दिया गया है और महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होना था। दक्षिण अफ्रीका से आए इस नए वेरिएंट पर फिलहाल WHO शोध कर रहा है। शोध के बाद ये पता चलेगा कि ये नया वेरिएंट सिर्फ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में आता है या फिर ये चिंता करने वाला वेरिएंट है। लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट ने रिपोर्ट आने से पहले ही दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। ब्रिटेन, इजराइल, सिंगापुर, नीदरलैंड और फ्रांस समेत अमेरिका ने भी दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण भाग में आने वाले देशों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने तो दुनिया पर अपना नकारात्मक छाप छोड़ना शुरू भी कर दिया है। शुक्रवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट की चिंता ने ग्लोबल बाजारों में कारोबार को कमजोर कर दिया। भारतीय बाजारों पर भी इसका बुरा असर पड़ा। शुक्रवार को बाजार खुलते ही भारी बिकवाली का शिकार हो गया। पहले सेंसेक्स 800 पॉइंट लुढ़का और फिर गिरावट 1400 अंकों तक पहुंच गई। NEC के निफ्टी सूचकांक में भी 200 अंकों की गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 510 अंक गिरकर बंद हुआ।
जबकि सेंसेक्स 1600 अंकों से ज्यादा फिसला। लेकिन अकेले शेयर बाजार ही इस नए वेरिएंट के डर का शिकार नहीं हुए हैं। नए वेरिएंट ने खेलों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली क्रिकेट सीरीज को रद्द कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में ही होने वाली जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप को भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। नए वेरिएंट के कारण भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका टूर भी रद्द हो सकता है। 17 दिसंबर से दोनों देशों के बीच सीरीज शुरू होने वाली थी। भारतीय ए टीम वहां साउथ अफ्रीका ए के साथ फिलहाल टेस्ट सीरीज खेल रही है। अनुमान है कि अगर दक्षिण अफ्रीका का ये नया वेरिएंट दुनिया भर में फैलता है तो आने वाले समय में और भी खेल आयोजन रद्द किए जा सकते हैं। इससे पहले भी ओलंपिक 2020 और क्रिकेट का T20 विश्व कप रद्द कर दिए गए थे और अगले साल फुटबॉल का विश्व कप भी है जो कि दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।